थाना कानवन अंतर्गत ग्राम शेरगढ़ में बिंदु सिंह निवासी कोत की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। दिनांक 25 जनवरी 2024 को शेरगढ़ विडवाल रोड पर मानस एकेडमी के कर्मचारी बीरेंद्र उर्फ बिंदु सिंह पिता शंभू सिंह उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोद की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना से थाना कानवन पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 302 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमार सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर इंद्रजीत भाकलवार के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी महोदय बदनावर के निर्देशन में थाना प्रभारी कानवर राम सिंह राठौर की टीम द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए गए। संदेहियों से बारीकी से पूछताछ की गई। विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर घटना दिनांक व समय को बिंदु सिंह के साथ जा रहे पिंटू सिंह उर्फ हुकुमचंद धानक पिता जवरचंद धानक उम्र 39 साल निवासी रामकृष्ण नगर नौगांव थाना नौगांव जिला धार से पूछताछ की गई तो पिंटू द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया तथा बताया कि बिंदु सिंह के साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता थी। स्कूल में साथ में एक ही चैम्बर में बैठते थे तथा एक दूसरे के साथ पर्सनल बातें शेयर करते थे। बिंदु सिंह पर विश्वास करके मैंने मेरी व्यक्तिगत समस्या के बारे में उसे बता दिया था। उस दिन से लगातार बिंदु सिंह लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसमें मैं मानसिक रूप से तंग हो गया था। मैं यह जानता था कि दिनांक 25 जनवरी 2024 को स्कूल का ऑफिस स्टाफ देर रात तक 26 जनवरी की तैयारी में लगा रहेगा और बिंदु सिंह देर से अकेला घर जाएगा। जब बिंदु सिंह अकेला उसके घर जाने के लिए निकला तो मैं बिंदु सिंह के साथ गुटखा लेने चलने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल पर उसके साथ बैठ गया और रास्ते में सुनसान जगह पर मैंने बिंदु सिंह की गोली मारकर हत्या कर देना बताया। आरोपी पिंटू उर्फ हुकुमचंद से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बदनावर पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में मुख्य भूमिका श्रीमान एसडीओपी महोदय श्री शेर सिंह भूरिया, थाना प्रभारी कानवन श्री राम सिंह राठौर, थाना प्रभारी कोतवाल धार श्री कमलेश शर्मा, थाना प्रभारी सादलपुर श्री अभय नेमा, थाना प्रभारी बदनावर श्री दीपक चौहान, साइबर सेल प्रभारी सोनी श्री भैरव सिंह देवड़ा, एसडीओपी कार्यालय बदनावर से प्रधान आरक्षक राजपाल चूड़ावत, प्रार अमित जोशी, थाना बदनावर से उपनिरीक्षक मनोहर सिंह चौहान, उपनिरीक्षक श्वेता सोनी, दिनेश सिसोदिया, थाना सादलपुर से सोनी राकेश मौर्य, आरक्षक 727 भगवती थाना कोतवाली से सोनी नीलेश सोनी हेमंत, साइबर सेल धार से सोनी राम सिंह गौड़, आरक्षक बलराम, आरक्षक प्रशांत, आरक्षक सर्वेश, आरक्षक शुभम तथा कानवन से उपनिरीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक यशवंत योगी, सह उपनिरीक्षक मोहन जाट, सह उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह ठाकुर, सह उपनिरीक्षक अजय वर्मा, प्रार 34 भारत, प्रार 30 रामेंद्र सिंह, प्रार 178 कुलदीप यादव, प्रार 433 नंदकिशोर मारू, आरक्षक 1033 नवीन, आरक्षक 611 संजय, आरक्षक 630 दिनेश, आरक्षक 1089 शाहरुख, प्रार 83 बने सिंह थाना राजौत की रही।